हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल लैंड ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों, तुहाडा सारयां दा स्वागत करदे आं साडे यूट्यूब चैनल ख्वाबां दे देश विच। दोस्तों, अज असीं तुहाडे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ लैके पेश होण जा रहे हाँ, दैट इज़ रिलेटिड विद योर कैरियर। सो दोस्तों, ये सीरीज़ तुहाडे कैरियर दे नाल संबंधित होएगी। जिमें कि आपां सारे जाणदे हाँ कि प्लस टू करन तो बाद बहुत सारे विद्यार्थियों नूं ये नहीं पता हुंदा कि वह किहड़े कोर्स विच दाखला लैन। उन्हां नूं ये तां पता हुंदा है कि वह बनना की चाहुंदे ने, पर उन्हां नूं ये नहीं पता हुंदा कि साडी मंजिल वल किहड़ा रस्ता जांदा है। सो आओ दोस्तों, शुरू करदे हाँ साडी लड़ी का पहला अंक। सो साडा पहला टॉपिक है कमर्शियल पायलट, हाउ टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। दोस्तों, हर बच्चे दे बहुत सारे सुपने होंदे हन कि मैं वड्डा होकर डॉक्टर बनांगा, लॉयर बनांगा, पायलट बनांगा, टीचर बनांगा। सो साडी अज दी वीडियो विच आपां गल करांगे कि आपां एक कमर्शियल पायलट किवें बन सकदे आ अते कमर्शियल पायलट बन लई की योग्यता होनी चाहीदी है, प्लस टू तो बाद अते ग्रेजुएशन तो बाद किवें पायलट बन सकदे हां। सो आओ दोस्तों, बिना समा खराब किए आपां शुरू करदे हां साडी अज दी पहली वीडियो कमर्शियल पायलट। प्लस टू और ग्रेजुएशन तो बाद पायलट किवें बन सकते हाँ, इसलिए सब तो पहला तुहानू फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करना पवेगा, भावें तुसीं प्लस टू की है जां फिर ग्रेजुएशन। दोनों ही संदर्भों विच तुहानू फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करना पवेगा। पायलट बन लई योग्यता की होनी चाहिए है? फ्लाइंग स्कूल नूं ज्वाइन करन लई जां पायलट बन लई एलिजिबिलिटी लई की चाहिदा हुंदा है? इस लई तुहाडे प्लस टू चों नॉन मेडिकल दे विच्चों घट तो घट 55% नंबर चाहिए हन। ये योग्यता सारे फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करन लई सेम ही रहिंदी है। हाउ टू ज्वाइन फ्लाइंग स्कूल। हुण दोस्तों गल करदे हाँ कि आपां फ्लाइंग स्कूल किवें ज्वाइन कर सकते हाँ। इस लई सब तो पहला रिटन टैसट हुंदा है अते फिर मैडिकल टैसट हुंदा है अते फिर इसका इंटरव्यू हुंदा है। आओ दोस्तों, हुण गल करदे हाँ कोर्स की ड्यूरेशन की। सो दोस्तों, हर एक कोर्स का कोई ना कोई समा हुंदा है, उस तरह फ्लाइंग स्कूल दे विच तुहानू 15 to 18 महीने की ट्रेनिंग लेनी पैंदी है। बाकी हर एक फ्लाइंग स्कूल इंस्टीट्यूशन के उपर डिपेंड करता है कि वह किन्ना समा कोर्स नू दिंदे हन। जिन्ना भी समा कंसर्न फ्लाइंग स्कूल ने निश्चित किया है सानू वह पूरा करना पवेगा। दोस्तों, हुण असीं गल करांगे वह लाइसेंस बारे जिहड़े एक पायलट बन तो पहला सानू लेने पैंदे हन। एक पायलट बन दे लई सानू कुल 3 लाइसेंस लेने पैंदे हैं, SPL, PPL अते CPL। सब तो पहला आपां गल करांगे SPL दी। SPL दा पूरा नाम है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। ये लाइसेंस तुहानू उस समय मिल जाता है जदों तुसी फ्लाइंग स्कूल दा एग्जाम पास कर लेंदे हो। अगला लाइसेंस है PPL, जिसका पूरा नाम है प्राइवेट पायलट लाइसेंस। ये लाइसेंस लैन लई तुहानू घट तो घट 60 घंटे की उड़ान भरनी पैंदी है। तीसरा अते आखिरी लाइसेंस हुंदा है CPL। तीजी अते आखिरी लाइसेंस लैन दे लई सानू घट तो घट 210 घंटे की उड़ान भरनी जरूरी हुंदी है। 210 घंटे की उड़ान भरन तो बाद तुसीं CPL यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस लै सकदे हो। हुण गल करांगे असीं फीस स्ट्रक्चर दे बारे। आम तौर पर इंडिया विच जिन्ने भी फ्लाइंग स्कूल हन उन्हां दी फीस 25 to 40 लख दे विचकार हुंदी है। इन्हां तो इलावा दोस्तों होर भी कई बहुत प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल खुले हुए हन, तां उन्हां दी फीस दा स्ट्रक्चर अलग अलग भी हो सकता है। दोस्तों, अगे असीं गल करांगे बेस्ट फ्लाइंग स्कूल्स ऑफ इंडिया। इंडिया दे टॉप दे फ्लाइंग स्कूल किहड़े हन? इन्हां विच सब तो पहला नाम आउंदा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकैडमी। दूसरे नंबर ते मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब। तीसरे नंबर ते है नैशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, ये इंडिया दे टॉप दे फ्लाइंग स्कूल हन। इन्हां तो इलावा भी जेकर तुसी किसी होर इंस्टीट्यूट दे विच दाखला लेना चाहुंदे हो तां ओह स्कूल ज्वाइन करन तो पहलां ये जरूर चैक कर लेना कि वह DGCA तो अप्रूव होवे, यानी कि डायरैक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया तो मानता प्राप्त होवे। आओ दोस्तों, हुण गल करदे हां सैलरी स्ट्रक्चर बारे।
ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਜਿਸ ਕੋਲ CPL ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਲਈ ਟਾਈਪ ਰੇਟਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਪ ਰੇਟਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਉਹ ਉਡਾਨਾਂ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਸਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਊ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਪਾਇਲਟ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ। ਧੰਨਵਾਦ।